फरार चल रहे खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने आज मोगा से किया गिरफ्तार। एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए अमृतपाल को असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया। कर्नाटक विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु के येलहंका में किया रोड शो। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए आज हुबली में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भुवनेश्वर में G20 शैक्षिक कार्य समूह के अंतर्गत एक प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ने कहा, भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का रहा है पथ प्रदर्शक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और रक्षा सहयोग समेत तमाम अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सऊदी अरब ने सूडान से अपने नागरिकों और राजनयिकों के साथ भारत समेत अन्य देशों में फंसे 150 से ज्यादा नागरिकों को सुरक्षित निकाला बाहर। अमेरिका ने अपने दूतावास को करवाया खाली। फ्रांस ने भी शुरू किया निकासी अभियान। और आईपीएल में आज पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का राजस्थान रॉयल्स से होगा सामना। वहीं दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगी भिड़ंत। नमस्कार, जीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हुरमा त्यागी, लेंगे समाचार विस्तार से। फरार चल रहे खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने आज मोगा से गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस ने मोगा के गांव रोड़े से आज सुबह गिरफ्तार किया। इसके बाद अमृतपाल को असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। अमृतपाल को रोड़े से पहले मोगा लाया गया। मोगा में आईजी इंटेलिजेंस समेत पुलिस के आला अधिकारी रात से ही मौजूद थे। पुलिस ने अमृतपाल से पूछे जाने वाले सवालों का ब्यौरा तैयार कर रखा था। हालांकि अमृतपाल ने ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दिए। इसके बाद पुलिस कागजी कार्रवाई पूरी कर सड़क मार्ग से अमृतपाल को लेकर बठिंडा पहुंची। यहां से उसे डिब्रूगढ़ के लिए रवाना किया गया। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के बाद पंजाब पुलिस ने अलर्ट घोषित कर दिया है। पंजाब के आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि अमृतपाल सिंह को विशेष अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान पुलिस ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनता का आभार जताया। जो लगातार पंजाब पुलिस ने इस केस में दबाव बनाया हुआ था पिछले 35 दिन से, सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, जिसमें इंटेलिजेंस विंग है, बाकी सारे हमारे विंग्स हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के वारंट्स इशू हुए थे। इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है। उसकी गिरफ्तारी जो है एनएसए के अधीन की गई है। फर्दर इसमें जो लॉ है अपनी जो अपने पेस पे ड्यू प्रोसेस के साथ लॉ काम करेगा। इसमें स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे, जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एनएसए का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर, एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे ही चुनाव प्रचार और तेज हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सत्ता में दोबारा वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बोम्मई ने आज येलहंका में एक रोड शो किया जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के दो दिवसीय चुनावी दौरे पर हैं। राहुल राज्य में कई जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे। कर्नाटक दौरे के पहले दिन आज राहुल गांधी बागलकोट जिले में संगमंथा मंदिर का दौरा उन्होंने आज किया।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और रक्षा सहयोग समेत तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना के विदेश मंत्री ह्यू टॉट के साथ पांचवी भारत गुयाना संयुक्त समिति बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, आयुर्वेद और वेलनेस, रक्षा सहयोग, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी और नवाचार, बुनियादी ढांचा विकास जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच आप्रवासन, मोबिलिटी और वायु संपर्क के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर समझौता भी हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अधिकारियों को गुयाना से करीबी संबंध बनाए रखने और व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कहा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना की संसद में नेशनल असेंबली के स्पीकर मंजूर नादिर से मुलाकात की और एक जारी बयान में उन्होंने कहा कि हमारा साझा इतिहास कई परंपराएं प्रदान करता है जो हमें और करीब लाती हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत गुयाना बिजनेस राउंड टेबल को संबोधित किया। विदेश मंत्री ह्यू टॉट, वित्त मंत्री सिंह और लोक निर्माण मंत्री देवदत्त इंदर की भागीदारी की सराहना की और कहा कि गुयाना और भारत की प्रभावशाली विकास दर को देखते हुए हमारी साझेदारी में कई नई संभावनाएं हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना के लोक निर्माण मंत्री देवदत्त इंदर के साथ भारत की मदद से बनाए जा रहे ईस्ट बैंक ईस्ट कोस्ट रोड लिंकेज प्रोजेक्ट का साइट विजिट किया और कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ कर्मचारियों से बातचीत की। उनके उत्साह से वे प्रभावित भी हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कर्नाटक के बेंगलुरु में थिंकर्स फोरम कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की संघीय प्रकृति की मान्यता रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक राज्य के लोग बहुत शिक्षित हैं और वे राष्ट्र निर्माण में योगदान कर रहे हैं। सो द कंसल्टेशन विद द स्टेट्स एंड रिकॉग्नाइजिंग द फेडरल नेचर ऑफ आवर कंट्री हैज बीन 100% फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। He's been a chief minister himself, so he knows what it is to recognize the role of states and give them their due in time. Karnataka and its people are very educated. They are in every walk of life. They quietly contribute to the nation building. There's no hullabaloo about it. The state has its gentle people. I recognize that. केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि यूक्रेन रूस युद्ध का वैश्विक प्रभाव है और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं ने तनावग्रस्त अर्थव्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए एक निश्चित सूत्र अपनाया है। यह तरीका कारगर साबित हुआ है। इट मे बी अ वॉर हैपनिंग इन यूरोप बट इट हैड ग्लोबल रिपरकशंस एंड विद ऑल दिस बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस एंड बिकॉज ऑफ द वेरियस ग्लोबल डेवलपमेंट्स एंड द कोविड Western economies, which took a certain formula for dealing with the stressed economy situation, the stressed economy because of the COVID situation, they had a formula or a recipe with which they wanted to attend to their economies. And most of the Western developed economies adopted that method. Of dealing with the stress in their economy. And that method has now proven hurtful of their economies as an after effect. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना स्थित चिवल्ला में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। उनका दौरा सांसद प्रवास योजना कार्यक्रम का हिस्सा है। इस दौरान वे नाटू नाटू गीत के लिए प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली फिल्म आरआरआर की टीम के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे निर्देशक एसएस रजामौली, लेखक केवी विजयेंद्र प्रसाद, संगीतकार एमएम कीरवानी सहित फिल्म के कलाकार जूनियर एनटीआर और अभिनेता रामचरण को सम्मानित करेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीडी न्यूज।
Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in Merchant Navy and Marine Engineering. With world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations, it's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023-24. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को केरल के एक महत्वपूर्ण शहर कोच्चि में होंगे, जहां पर वो एक कॉलेज में मेघा यूथ कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। इस कॉन्क्लेव में तकरीबन 50,000 से भी ज़्यादा युवाओं के पहुंचने की संभावना है। क्या कुछ रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम, इस पर केरल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने डीडी न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि केरल के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को केरला के कोच्चि में होंगे और यहां पर एक यूथ कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। और क्या क्या खास कार्यक्रम है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए केरला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन हमारे साथ हैं, अभी कोच्चि में मौजूद हैं। सुरेंद्रन साहब, डीडी न्यूज दिल्ली में स्वागत आपका। सबसे पहले क्या क्या कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम है सबसे पहले ये? हमें इधर एक बड़ा रोड शो है, पहली बार मोदी जी का एक रोड शो केरल में है, कोचिन में एक बड़ा कार्यक्रम। हमारे जो पार्टी कार्यकर्ता एवं सामान्य नागरिक, कोच्चि का नागरिक, एक सबसे बड़ा एक रोड शो हम करेंगे। उसके बाद ये कोचिन सेक्रेड हार्ट कॉलेज में एक बड़ा युवा समावेश, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स और टेक्नोक्रेट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड वेरियस स्पोर्ट्स, फिल्म, आर्ट्स, कल्चरल यूथ आइकन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस मेगा यूथ कॉन्क्लेव। दिस इज रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ केरला सिंस लास्ट 70 years, 7 decades, बोथ द LDF एंड UDF रूल्ड एंड रूइंड केरला, लूटेड केरला, बेरोजगारी, unemployment, underdevelopment, all these things, lakhs and lakhs of youths are migrating from Kerala to other states and other countries. Our higher education system is totally collapsed. So we are searching the people of Kerala, especially the youth community is very eagerly watching Narendra Modi ji. मोदी जी इस विकास की राजनीति, सो ऑल ओवर इंडिया डेवलपमेंट इज हैपनिंग एक्सेप्ट केरला। सो दिस क्वेश्चन, कितने यूथ पार्टिसिपेट करेंगे उसमें और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आएंगे तो युवाओं में एक नया जोश देखने को मिलेगा, वो सुनने के लिए आएंगे? बहुत बड़ा जोश युवाओं में, एक्चुअली केरला अवेट्स नरेंद्र मोदी जी, आशा आकांक्षा बहुत ज्यादा है मोदी जी के ओर पर। मोदी जी एक रोल मॉडल है केरल का नौजवान का, सो दी पीपल आर टोटली विथ नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी इस डेवलपमेंट एजेंडा होल हार्टेडली केरला यूथ्स आर एक्सेप्टिंग, मोदी जी इस अप्रूवल इज ग्रोइंग डे बाय डे इन केरला। यू कैन सी ऑन 24th इवनिंग हाउ दी यूथ ऑफ केरला इज रेस्पॉन्डिंग, हाउ दी emerging youths supporting Modi ji. कितने यूथ जो है पार्टिसिपेट करेंगे, एक प्रॉक्स अगर बात करें, क्या उम्मीद की जाए कि हजारों नौजवानों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे, एक मेगा शो है वो? ये एक पार्टी कार्यक्रम नहीं है, ये सामान्य युवाओं का एक बड़ा अधिवेशन है। कम से कम 50,000 युवाओं डेफिनेटली विल कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरला में जब होंगे तो यहाँ के नौजवानों के सामने उनको सुनने और समझने का एक बड़ा अवसर मिलेगा, एक मेगा शो में वो केरला के नौजवान को संबोधित करेंगे और देश का जो रोल मॉडल है, विकास का जो रोल मॉडल है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के नौजवानों को समझाने की कोशिश करेंगे, ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केरला के सुरेंद्रन का, जो डीडी न्यूज से अभी खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज कोच्चि।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये रेलगाड़ी 11 जिलों तिरुवनंतपुरम, कोलम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, पठानमथिट्टा, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड स्थानों को कवर करेगी। साथ ही प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम में सेंट्रल स्टेडियम में 3200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन 2019 में प्रधानमंत्री ने दिल्ली से वाराणसी की इसकी शुरुआत की और अब यह 16वीं वंदे भारत ट्रेन है जिसे प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम से यानी केरल की पहली और तिरुवनंतपुरम से इसे कासगोड़ा जो कि केरल के अंदर ही है वहां के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तमाम विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है यह ट्रेन, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, चाहे आप इसके सीट की बात करें, हवाई जहाज की तरह इसकी कंफर्टेबिलिटी की बात करें आप, या फिर सुरक्षा की बात करें, यात्री सुरक्षा के लिए सीसीटीवी की बात करें, ऑटोमेटिक स्लाइडर डोर्स की बात करें, या फिर पुश बैक बटन की बात करें जिसमें पैनिक की स्थिति में जो केबिन में बात कर सकते हैं आप ट्रेन के ड्राइवर से, या फिर कवर सिस्टम की बात करें एंटी ब्रेकिंग सिस्टम पर जो काम करता है ये ट्रेन के अंदर खासतौर से लैस है। इसके साथ साथ कासगोड़ा तक की जो दूरी है वो फिलहाल तिरुवनंतपुरम से तकरीबन 12 से 13 घंटा लग जाता है, ये ट्रेन महज आपको पहुंचाएगी 8 घंटे के अंदर और 11 डिस्ट्रिक्ट, केरल के 11 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी। जब लोगों से यहाँ पे हम पूछते हैं, बात करते हैं कि इनके लिए ये कितना बड़ा तोहफा है, कितना बड़ा वरदान साबित होने जा रहा है, उनका कहना है कि वो इस ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रधानमंत्री जब खुद से इसे हरी झंडी दिखाएंगे तो इससे बड़ी खुशी उनके लिए शायद ही कुछ और है। ये ट्रेन न सिर्फ समय बचाएगा बल्कि केरल के लोगों के लिए एक लाइफलाइन भी बनेगा और साथ साथ चूंकि केरल में हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं पूरे देश से आते हैं, विदेशों से आते हैं, उनको भी ये काफी, उनके कनेक्टिविटी में भी ये काफी फर्क लेके आएगा और इसका फायदा उन सैलानियों के अलावा जो केरल के लोग हैं, चूंकि सैलानियों का जब इजाफा होगा तो केरल के लोगों की आमदनी में भी इजाफा होगा। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, तिरुवनंतपुरम। भुवनेश्वर में आज सुबह G20 की अध्यक्षता में तीसरी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान डीप टेक विद फोकस ऑन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर ऑफ वर्क पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान आधारित सदी होगी, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू करने की सरकार की पहल इस दिशा में एक उपयुक्त कदम होगा। Market with its new aspiration. India has its own resource. Essentially, India is a knowledge society. 21st century is going to be a knowledge-based century. And India is going to lead role on that. And fortunately, we all are implementing NEP. NEP has a mandate and responsibility to look into the global aspiration. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का पथ प्रदर्शक रहा है। In India, we always believe and we always plan for the entire universe. That's for our main theme of this G20 is Vasudhaiva Kutumbakam. That means we have a global responsibility. More than 136 developing countries came on a one platform, an invitation of Prime Minister Modi with one motto. So India's presidency is going to add new chapters, new diplomatic features in this G20 summit. Bulletin mein filhaal lete hain ek break, aap dekhte rahiye DD News. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित है। गुजरात के साबरकांठा में वेद संस्कृत ज्ञान गौरव समारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर मोहन भागवत ने कहा कि देश में विकास के साथ साथ अपने संस्कार को भी आगे बढ़ाना है।
आज के भारतवर्ष में हमको आगे बढ़ना है। क्यों बढ़ना है? हमको अमेरिका जैसी, चीन जैसी, रशिया जैसी डंडा चलाने वाली महाशक्ति नहीं बनना है। हमको विश्व को आज के उसकी समस्याओं का उत्तर देने वाला देश बनना है। हमको विश्व को नित्य शाश्वत सुख शांति प्रेम का रास्ता दिखाने वाला, आचरण से दिखाने वाला देश बनना है। यही हमारे लिए पूर्वजों का भी आदेश है, ये हमारा कर्तव्य है। और ये कर्तव्य अगर करना है तो विश्व की एकता के सत्य पर आधारित जो भद्र है, जो मंगल है, ऐसी संस्कारों के आधार पर चलने वाली संस्कृति ही हमको चाहिए, दूसरी नहीं चाहिए। मोहन भागवत ने रूस यूक्रेन युद्ध में भारत द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। यूक्रेन को मोहरा बनाकर अमेरिका और रशिया लड़ रहे हैं, भारत को कह रहे हमारी तरफ आओ, हमारा पक्ष लो। भारत कहता आप हमारे दोस्त हो, आप भी हमारे दोस्त हो, ये जो मर रहा है आप दोनों के बीच वो भी मेरा दोस्त है, पहले मैं उसको राहत पहुंचाता हूं, अभी मैं आपका या उनका पक्ष नहीं लेता, ये लड़ाई का जमाना नहीं, लड़ना बंद करो। ये कहने वाला भारत खड़ा हुआ है जो पहले हिम्मत नहीं थी अपनी। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए सऊदी अरब आगे आया है। सऊदी अरब ने अपने नागरिकों और राजनयिकों के साथ भारत समेत अन्य देशों के फंसे 157 लोगों को निकाला है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि उसने सूडान से अपने और मित्र देशों के कुछ नागरिकों को बाहर निकाला है, इनमें कई राजनयिक भी हैं। बयान के अनुसार सऊदी अरब के 91 जबकि मित्र देशों के 66 नागरिक सुरक्षित निकाले गए हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बुल्गारिया, कुवैत, कतर, यूएई, मिस्र, ट्यूनिशिया, फिलीपींस, कनाडा और बुर्किना फासो के नागरिक हैं। सऊदी अरब इन सभी को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। सूडान में हिंसा भड़कने के बाद विदेशी नागरिकों की पहली आधिकारिक निकासी बताई जा रही है। इन सभी को लेकर एक जहाज शनिवार को जेद्दा पहुंचा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार सऊदी अरब और सूडान के संपर्क में भी थे। सूडान में जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी बलों ने सूडान स्थित अमेरिकी दूतावास के कर्मियों को बाहर निकाल लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर जानकारी दी। सूडान की सेना से संघर्ष कर रहे रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने बताया कि अमेरिकी बचाव अभियान में 6 विमानों की मदद ली गई और उसने अमेरिका के साथ निकासी प्रयासों में समन्वय किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा संबंधी गंभीर स्थिति के कारण दूतावास में कामकाज रोक दिया है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दूतावास में कामकाज फिर से कब शुरू होगा। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी ब्रिंग्स यू द मोस्ट प्रेस्टीजियस एंड एडवेंचरस करियर इन मर्चेंट नेवी एंड मरीन इंजीनियरिंग विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्प्रॉलिंग कैंपस एट 6 लोकेशंस। इट्स नॉट जस्ट अ करियर बट एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी, अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एडमिशंस ओपन फॉर 2023-24। माली के सिवारे शहर में तिहरे आत्मघाती बम हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए और 60 से अधिक लोग घायल हो गए। इस आत्मघाती हमले में सवेरे शहर के करीब 20 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय गवर्नर के एक प्रवक्ता याकूब मेगा ने कहा कि विस्फोटों में मारे गए और घायल हुए सभी लोग आम नागरिक थे। 2012 में तुआरेग अलगाववादी विद्रोह के बाद से ही माली हिंसक विद्रोह का केंद्र बना हुआ है। माली के सिवारे में एक सैन्य अड्डे और संयुक्त राष्ट्र मिशन के सैनिकों का ठिकाना है। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों टीमें इस मैच के लिए बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भिड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे में आरसीबी के घर में राजस्थान रॉयल्स की टीम हल्ला बोलेगी। राजस्थान रॉयल्स की टीम अच्छे फॉर्म में है, टूर्नामेंट में कुल 6 मैच खेल चुकी है जिसमें उसने 4 में जीत हासिल की है और उसे सिर्फ 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा। वहीं आरसीबी 6 में से 3 मैचों में जीत हासिल कर 5वें स्थान पर काबिज है। आईपीएल में आज दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगी। ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। चेन्नई अपने पिछले दोनों मुकाबले जीत चुकी है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन कुछ समय से खराब रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स इस साल टूर्नामेंट में बेहतर खेल रही है। पहले मैच गंवाने के बाद टीम ने जबरदस्त वापसी की, हालांकि घरेलू पिच पर उसे
राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मुंबई को उनके घर में हराया। फिर चेपॉक में सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। टीम के खिलाड़ी गजब के फॉर्म में है। वहीं केकेआर की बात करें तो यहाँ वेंकटेश अय्यर दिल्ली के खिलाफ मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। इसके अलावा रिंकू सिंह के भी बल्ले से उतने रन नहीं निकले जितने निकलने चाहिए थे। इस टीम की सबसे बड़ी कमजोरी कंसिस्टेंसी की है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।